यूनिटी की कॉल दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है, यूनिटी होनी चाहिए पर्पसफुल और मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आप यूनिटी वाकई में करना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारे कोई भी साथी हो, चाहे वो अपने आज़ाद साहब बोलें, चाहे वो अपने क्या इनका नाम है बुखारी साहब बोलें, चाहे अपने दूसरे कोई साहब बोलें, अपने हमारे जो पीछे हमारी पीएचडी के लोग थे उनमें से कोई बोलें, हम लोग बोलें, आपके इंजीनियर रशीद साहब की जमात बोले, कांग्रेस वाले बोलें, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि यूनिटी का मतलब तभी सही से उसका इफेक्ट लिया जाएगा जब आप अपनी पार्टी के इंटरेस्ट्स और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बलाए ताक पर रखेंगे, और दे शुड बी सेकेंडरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अदरवाइज यूनिटी यूनिटी बात करना यह सब एक शैम के अलावा और कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में यहां के लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर हर किसी एक सियासी कैरेक्टर को दिखा दिया कि उसका जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने में उसका या उसकी पार्टी का वैल्यू क्या है, सबको बता दिया। और आज जब शायद अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं, अगर हमारा ये लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है सितंबर में अक्टूबर में जब भी, तो तब दोबारा ये जो ये यूनिटी यूनिटी की बात है, आज पब्लिक यूनिटी चाहती है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी पीएजीडी में रहकर कि सब यूनाइटेड रहें, मगर अनफॉर्चुनेटली पार्टी इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रख के आपके पब्लिक इंटरेस्ट पे वो हावी पड़ गए। मुझे उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं आज दोबारा अपने तमाम इन सियासी लीडरान से कहूंगा, क्योंकि भाई साहब कांग्रेस वालों से भी ये बात मैं करता हूं कि भाई साहब हम सब इसी मिट्टी के हैं, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदे यूनिटी, वाकई में यूनिटी चाहते हैं, क्योंकि जो अभी आइंदा का हमारा इलेक्शन रहेगा ये एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा। ये कोई मामूली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं है, चाहे उसके पास वो अपने ये हमारे लोग गवर्नर को इससे भी ज़्यादा पावर से नवाजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नवाजें दें। लेजिस्लेटिव असेंबली में हर कोई बंदा 90 के 90, हमको कोशिश करनी है कि वो दूध के धुले हुए बंदे हो, उन पर कोई किसी किस्म की कोई उंगली ना उठाए, उन पर कोई किस्म का केस ना हो, उनको कोई किस्म का बंदा कल को ना बोले कि जी आपके हम ईडी का ये डाल रहे हैं, छापा डाल रहे हैं, सीबीआई आपके पीछे डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, नो। ऐसे बंदे ढूंढने चाहिए तमाम जमातों को। उसलिए अगर यूनिटी करनी है, यूनिटी होनी चाहिए किसी मकसद के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है। अगर वैसी कोई चीज है तो आइए हम दोबारा कोशिश करेंगे यूनिटी के लिए बहुत बड़ी लेवल पर, क्योंकि आज आपके जम्मू कश्मीर के आइंदा नस्लों का मामला है, चाहे हिंदू का है, मुसलमान का है, डोगरा का है, सिख का है, ईसाई का है, कश्मीरी अपने हमारे कश्मीरी का है, लद्दाखी बौद्ध का है, पहाड़ी का है, गुजर का है, बकरवाल का है, कश्मीरी पंडित का है, ये सब का मामला आज सब समझ गए कि नहीं, अगर हम अलग अलग की बोलियां बोलते हैं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज हमारा काम है एक तरफ से, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, वहां पर हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है, क्योंकि उस मामले को हम अपने मंतकी अंजाम तक ले जाएंगे। और अगर यहां पर हम लोग पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर, लद्दाख एक जगह इकट्ठा होकर आवाज दे कि नो नथिंग डूइंग, हमारे आपको रिटर्न करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमसे आपने छीने हैं, और आपको रीइंस्टेट करना पड़ेगा आर्टिकल 370 को, अगर ये आवाज पूरी लगती है। मैं इसीलिए आपके जितने भी आज ये आवाजें पहले उठाने जा रहे हैं, जो उठा रहे हैं आजकल हमारी पार्टी के लोग, हमारे बाकी जमातों के लोग, उनको मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपको बड़ा क्लीन कट क्लियर बताना पड़ेगा यहां के आवाम को कि आपकी पोजिशन विजाविज 370 विजाविज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है। दूसरी बात जो बहुत अहम बात मैं करना चाह रहा हूं उसके साथ ही, राहुल गांधी साहब को एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको अलोंग विद द ऑपोजिशन लीडर्स, उनको जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए, यहां के स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए,
यहां के जो आम लोग हैं उनके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो और जो हमारे मुंतखब हुए हैं हमारी तरफ से पार्लियामेंट मेंबरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो, हमारे कांग्रेस के दो, उसके लद्दाख के एक, आपके इंजीनियर रशीद साहब के, इंजीनियर रशीद साहब खुद, क्योंकि वो जेल में है मगर मुंतखब हुए हैं, उन सब का आज ये काम होगा कि वो कश्मीर की आवाज़ बनकर जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है 2019 के बाद खसूसन, उस चीज़ को वो वापस रीइंस्टेट कराने की हतल मकदूर कोशिश करें। उसलिए हम उनको बाज़ाब्ता तौर कहते हैं, हमने ये कोशिश की थी, मैं फिर दोबारा कहूँ कि पीएजीडी में हमारी तरफ से बहुत कोशिश हुई थी, कारगामी साहब की तरफ से, हमारी तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी, मगर वो बात बन नहीं पाई कि हम अपोजिशन को यहाँ पे एक कॉन्क्लेव करवाएं और उनको यहाँ के जो बाकी जो हमारी ये अपोजिशन पार्टीज हैं वो 370 का नाम लेते हुए थोड़ा सा शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। आज वो बात नहीं है, आज आप बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की तरफ से बात कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज अपने कांग्रेस के भाइयों को यहाँ से, हमारे उनके प्रेसिडेंट को, यहाँ जितने भी उनकी टीम है यहाँ, उनको खसूसन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको अब अपने लीडर ऑफ अपनी पार्टी के लीडर को, अपने कांग्रेस के चीफ को, उन पर ये प्रेशर लगाना चाहिए कि आप उठिए, कश्मीर आइए, जम्मू आइए, लद्दाख आइए, यहाँ पर लोकली देखिए यहाँ पर इश्यू क्या है, क्या हमारे साथ जुल्म डाए जा रहे हैं, उस पर आप बात उठाइए। हमारे जो स्पेशल स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है, उस पर हमारे साथ बात कीजिए यहाँ पर, और जो भी आपके मन में कोई उसमें कोई डाउट है, कोई एम्बिग्यूटी है, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे अहम एक और चीज़ है, ये बीजेपी ये संविधान हथिया दिवस 75 ईयर्स वो रिमेंबर कर रही है, जो आपका इमरजेंसी लगी 1975 में। यही चीज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी साहब, आपके हमारे तमाम जितने आपके इसके इंडिया अलायंस के जितने मेंबरान हैं, आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि आप बीजेपी को पकड़िए, गले से पकड़िए उनको, कहिए आप क्या बात कर रहे हैं इमरजेंसी के बारे में, 75 75 75। आप तो 2019 5 अगस्त के बाद हर दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर इमरजेंसी नाफिद कर रहे हैं, आप नए नए कानून यहां लगा रहे हैं जबकि आपके पास कोई ताकत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि आप वो कानून यहां पर ठोसें, आप उसको पावर और ताकत के बलबूते पर यहां ठोस रहे हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पर। आप उनको यह पकड़िए, आपने अभी हाल ही में पावर्स दिए हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या नहीं था और क्या है इस चीज के लिए। सो बीजेपी को उनको बता देना चाहिए, पार्लियामेंट में बता देना चाहिए, चलिए कश्मीर चलिए, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और आपके उनको कोई मॉरल राइट नहीं है टू स्पीक अबाउन ऑन दिस संविधान हत्या। सो ये तीन चीज जो मैंने आज आपसे बात की, दैट यूनिटी यस, बट यूनिटी में आपको अपना बैगेज अलग रखना चाहिए। अगर आप वाकई में यूनिटी चाहते हैं यहां के आइंदा जनरेशन के लिए, तब आप सब आइए सामने और बैठकर हम लोग बात करें। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, पब्लिक ने आपको दिखा दिया है किसकी क्या औकात है। और दूसरा, यहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए, हमारी ऑपोजिशन पूरी यहां पर आए, और फिर यहां पे देखकर समझकर पूरा स्टेक होल्डर से बात करके, हम सबसे बात करके, यहां के लोकल से बात करके, जम्मू में बात करके, लद्दाख में बात करके, लेट देम बी आवर एम्बेसडर्स एंड कैच द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। ये मैं बातें आपसे आज करना चाह रहा था, बहुत अहम थी आज बताने के लिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह अगर इस मामले में ये मामला तोल पकड़ा गया और हम इस यूनिटी पर हम दोबारा काम आज से शुरू कर रहे हैं।